सो गाइस, आज सैमसंग ने इंडियन मार्केट पर न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M02 बेस को अनवील कर दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में ऐसा कुछ खास है नहीं जो मैं आपको बनाकर बताऊं। बट दोस्तों, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखा कि बहुत गंदे तरीके से ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं। यहाँ पे वो गिव अवे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्मार्टफोन को आप गिव अवे में जीत सकते हैं। अब गिव अवे के लालच में क्या करते हैं ऑडियंस, वहाँ पर जाकर नीचे कॉमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे रिव्यू दे देते हैं उस फोन के बारे में कि आपके फोन में ये अच्छा है फलाना ढिमकाना। और उस कमेंट्स को देखकर जो और ऑडियंस होती है वो मैनिपुलेट हो जाती है और मैनिपुलेट होकर जाकर वो स्मार्टफोन खरीद लेती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M02 नहीं लेना है और बिल्कुल भी नहीं लेना, और क्यों नहीं लेना वो भी आपको बताऊंगा, और किन लोगों को ये स्मार्टफोन लेना है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पे आपसे सैमसंग गैलेक्सी M02S के जल्दी जल्दी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दोस्तों, यहां पे आपको 6.5 इंच का एक HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगेन ध्यान सुनिएगा, HD+ डिस्प्ले है जो कि 720p के रेजोल्यूशन के साथ में आता है एंड IPS LCD पैनल यहां पे करा गया है। यहां पे आपको सामने की तरफ इन्फिनिटी भी स्टाइलिंग में डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अदर भाषा में कहें तो यहां पे आपको वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग में डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाकर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ को ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया 13 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज करा गया 2 मेगापिक्सल का, एंड थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का यूज करा गया, जो कि यूजलेस कैमरा होते हैं पोर्ट्रेट और मैक्रो क्लिक करने के लिए। यहां पे आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, बहुत अच्छा काम करा है। 5000mAh की बैटरी दी गई है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, मोस्ट वर्ड फोन किसी फोन की चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 वाला चिपसेट, जो काफी ज्यादा पुराना चिपसेट और काफी डिसेंट सा चिपसेट है। यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है इस फोन में। यहाँ पे आपको 3.5 इंच का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो आप 2 सिम के साथ साथ एक SD कार्ड को भी इंजॉय कर सकते हैं। अब चलिए हम प्राइस एंड वेरिएंट की बात कर लेते हैं। तो ये स्मार्टफोन जो है इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च करा गया है। इसका बेस वेरिएंट है वो निकल रहा था 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस रखा गया है 8,999 रुपये। इसका हायर वेरिएंट है वो निकल कर आता है 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस रखा गया है 9,999 रुपये। तो अगेन आप ध्यान सुनिएगा कि आपको 10,000 में क्या कुछ देखने को मिलता है। 10,000 में आपको देखने को मिलता है 720p डिस्प्ले, यहां पे आपको देखने को मिलता है 10,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 450, 10,000 रुपए में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। अब इतने कमी होने के बावजूद अब आप बोलेगा कि तुम किस स्मार्टफोन को बढ़िया कहो, तो आप एक बार जाकर Redmi 9 Prime को उठाकर देखिए, आप एक बार जाकर Realme Narzo 20A को उठाकर देखिए, वहाँ पे आपको 8,500 रुपये में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 665 वाला चिपसेट, क्योंकि इससे काफ़ी बेटर चिपसेट है। तो मतलब स्नैपड्रैगन 450 देने का 10,000 के प्राइसिंग में मुझे समझ में नहीं है, मतलब सैमसंग अपने बजट रेंज के स्मार्टफोन के साथ कभी सही कर ही नहीं सकता है। आपको बिल्कुल मना करता हूँ स्मार्टफोन को लेने से। अब देखिए, एक्चुअली होगा क्या कि आप जाइएगा YouTube पर सर्च करने सैमसंग गैलेक्सी M02S, तो आपको स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग बहुत मिलेंगे, बट जितने अनबॉक्सिंग मिलेंगे सभी के सभी न्यूट्रल अनबॉक्सिंग मिलेंगे। कोई भी आपको वहाँ पे नहीं बताएगा कि इसमें क्या गलत है, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें 720p डिस्प्ले जो कि गलत है आप मत लीजिए इसमें, कोई नहीं बताएगा, कोई ये नहीं बताएगा कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, आप इस स्मार्टफोन को मत लीजिए जो कि गलत है। 10,000 रुपये में और कंपनी प्रोवाइड करती है, अरे यार 7,000-8,000 रुपये में आपको अपना माइक्रोमैक्स का N1V वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको हीलियो G35 देखने को मिलता है। तो हमें क्यों ले स्नैपड्रैगन 450 के साथ में, हम यहाँ पे क्यों ले यहाँ पे और फिंगरप्रिंट स्कैनर सबसे बड़ी बात देखने को नहीं मिलता है यार। 750G मतलब 10,000 रुपये में अब फुल HD+ डिस्प्ले आ रहे हैं, Redmi 9 Prime प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे पोको M2 प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्यों ले ये फ़ोन, लेने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको बिल्कुल कहूँगा कि इस फ़ोन को स्किप कर दीजिए। और अब बताते हैं किनको ये स्मार्टफोन लेना है। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ब्रांडिंग चाहिए, 10,000 में अगर कोई स्मार्टफोन खरीद सोच रहे हैं कि मुझे सैमसंग का ही चाहिए, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, तो नॉन चाइनीज में अपना माइक्रोमैक्स N1 भी है उसके तरफ भी देख लीजिएगा, या फिर माइक्रोमैक्स N Note 1 है उसके तरफ भी देख लीजिएगा, उसके बाद इसके तरफ आइएगा देखने। सैमसंग का ही फ़ोन तभी लीजिएगा जब आपको नॉन चाइनीज फ़ोन चाहिए, सैमसंग का ब्रांडिंग चाहिए, एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए। 5000mAh हम बड़ी बैटरी बोल भी नहीं सकते यार, क्योंकि सभी टिपिकल सा प्रोवाइड कर ही देते हैं, जितनी भी कंपनी है वो सभी 5000mAh तो बेसिक बन गया है कि मिड को मतलब कम से कम तो 5000mAh का बैटरी देना ही देना है। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी इस सैमसंग गैलेक्सी M02S की। खेल खत्म, पैसा हजम, कुछ नहीं है इस फोन में बताने के लिए, कुछ मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा इस फोन को लेने के लिए। तो बस यही थी छोटी जानकारी जो हमको देना चाहता था, और मिसलीड नहीं होइएगा, मिसगाइड कर रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर गिव अवे के नाम पर। ये गिव अवे कर देते हैं, हम 5 गिव अवे कर रहे हैं, कोई 10 गिव अवे कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, 2-4 गिव अवे करवा देते हैं कंपनी वाले और अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड भी करवा देते हैं, बट यार ये बहुत गलत है। अगर क्रिएटर ही ऐसा करेंगे तो ऑडियंस के पास में सही नॉलेज कैसे पहुंचेगा कि इस फोन में क्या डिफेक्ट है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक क्रिएटर होते हैं उसके लिए कि आपको बताएंगे आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है, कौन सा स्मार्टफोन को स्किप करना है,
बट यहाँ तो सभी मतलब गिव अवे कर रहे हैं, गिव अवे के नाम पे बस लूट में पड़े हुए हैं यार। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी जो आपको देना चाहता था, जितना दूर हो सके उतना दूर रहिएगा इस फोन के बारे में सोचिएगा ही मत लेने को। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन है ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता है आपसे वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।